प्रकृति ईश्वर की अद्भुत कलाकृति है। यह छोटा सा शब्द अपने में पूरी कायनात को समेटे हुए है। इस खूबसूरत कायनात को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। इसे तो सिर्फ अपनी रूह में ही महसूस किया जा सकता है। खुदा की रची अनमोल सौगात है प्रकृति। इसके हर रंग की कशिश हमारे नीरस जीवन में भी सरसता भर देती है। इसका सौंदर्य न केवल मनमोहक है, बल्कि हर इंसान को खुश करने की काबिलियत से भरपूर है। सच कहें तो ईश्वर का दिया अनमोल उपहार है प्रकृति। भारत में भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य की छटा चारों तरफ दिखाई देती है। यहाँ प्राकृतिक विविधता के मनोहारी दर्शन होते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इस कुदरती करिश्मे का सौंदर्य मन को बरबस ही खींच लेता है। इसके एक तरफ रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ बर्फ की चोटियां मन को लुभाती हैं। यहाँ के उगते सूरज का तेज व रात की चांदनी की शीतलता हर भारतीय को रोमांचित कर देती है। भारत में चारों तरफ फैली हरियाली जहाँ मन को लुभाती है, वहाँ समा में फैली ठंडक मन को असीम शांति प्रदान करती है। भारत की मिट्टी की सोंधी सोंधी महक, कलकल बहती नदियाँ, पर्वतों पर सिंदूरी सी छाई घटा हमें प्रेम रूपी राग सुनाकर हमारे दिल में उमंग वे हर लब पर गजल सजा देती है। शिमला, मनाली, नैनीताल, कश्मीर, दार्जिलिंग, ऊटी, गोवा आदि प्राकृतिक स्थल न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। भारत की सीमा से सटा भारत का पड़ोसी देश नेपाल एक समृद्ध देश है। इसकी बर्फीली चोटियों की भव्यता का वर्णन करने के लिए शब्द ही काफी नहीं है। दुनिया के प्राकृतिक अजूबों में से एक अजूबा माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही है। चारों तरफ फैली झीलें इसके सौंदर्य में चार चांद लगा देती हैं। कंचनजंगा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नेपाल के सौंदर्य की मिसाल है। निश्चित रूप से इसका प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। भारत का एक अन्य पड़ोसी देश म्यांमार भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही प्रसिद्ध है। चमकते सोने के मंदिरों से सुसज्जित यह देश अपनी धुंधली पर्वत श्रृंखलाओं, घने पेड़ों व दूर मीलों तक फैले असीम जंगलों के लिए ही जाना जाता है। प्राकृतिक झरनों व गुफाओं में बहता शांत पानी मन को असीम शांति प्रदान करता है। चारों तरफ फैले बागान व वास्तुकला से निर्मित मंदिरों का अनुपम सौंदर्य इस देश को अन्य देशों से अलग बनाता है। परंतु अफसोस की बात यह है कि प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य का आनंद लेते हुए भी मानव इसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूलता जा रहा है। मानव प्रकृति की हरियाली को छीन उसे काली चादर बनाता जा रहा है। वह प्रकृति रूपी धरोहर को संजोने की बजाय उसका शोषण कर रहा है। डीएवी एनएस3 के विद्यार्थियों को जब प्रकृति की वर्तमान दशा से अवगत कराया गया तो हमारे विद्यार्थियों ने प्रकृति के प्रति जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली।
उन्होंने सबसे पहले इसके स्वरूप को जाना, समझा और फिर उसका उद्धार करने की ठान ली। वे प्रकृति के संरक्षण के लिए वचनबद्ध हो गए और विभिन्न माध्यमों के द्वारा उन्होंने प्रकृति की पीड़ा हरने का संकल्प उठाया। नौवीं व दसवीं के विद्यार्थियों ने अपने मन के भावों को चित्रकला का रूप दिया व स्लोगन के माध्यम से जन संदेश देकर जन चेतना लाने का निश्चय किया। सातवीं व आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों ने एक लघु नाटिका की रचना की। वे अपनी नाट्य कला के संवादों से विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों को भी प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाया। सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों ने एक पीपीटी तैयार करके इस अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। छठी कक्षा के विद्यार्थियों ने पेपर बैग बनाकर प्लास्टिक का बहिष्कार करने वे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने का संदेश दिया। विद्यार्थियों ने पूरे जोश व उमंग के साथ समाज के जागरूक व जिम्मेदार विद्यार्थी होने का फर्ज निभाया। प्रकृति व संगीत के इस अनुपम संगम को नौवीं व दसवीं के विद्यार्थियों ने आत्मसात किया व इन्हीं भावों को सामूहिक गीत की गूंज से उजागर किया। विद्यार्थियों के भाव गीत व संगीत के माध्यम से वातावरण के कण कण में गूंज उठे। उनके गीत की गूंज विद्यालय परिसर के एक एक विद्यार्थी में जन चेतना भर रही थी। विद्यार्थियों में उमंग व उत्साह इतना था कि स्कूल के किंडरगार्टन के नन्हे मुन्ने बच्चे भी झूमने के लिए मचल उठे। उन्होंने नृत्य कला का सहारा लेते हुए भारत, नेपाल व म्यांमार का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने नृत्य की थाप से हर विद्यार्थी की चेतना को जागृत कर दिया। निश्चित रूप से डीएवी के होनहार विद्यार्थियों द्वारा प्रकृति की सुंदरता के प्रति जागरूक करने का प्रयास तब पूरी तरह से सफल होता नजर आ रहा था जब ये सभी विद्यार्थी जन जन तक अपना संदेश पहुंचाने सड़कों पर उतर पड़े। प्रकृति का उद्धार करने का संदेश देने के लिए वे उत्साहपूर्वक गली गली निकल पड़े। विद्यार्थियों का जोश ही इस बात की गवाही दे रहा था कि वे पृथ्वी का अस्तित्व लौटाने के लिए अपना जी जान लगा देंगे। आइए हम सब ये संकल्प उठाएं, प्रकृति में फिर से हर रंग सजाएं, महकते फूलों से फिर ये चमन सजा दें, बंजर धरा की इस मिट्टी को फिर से महका दें, फिर से महका दें।